आज हम फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले से राखी बनाएंगे, तो देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस। आपको इस पैकेट के अंदर दो इस तरीके की क्ले मिलेंगी, आपको इनको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं क्ले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस टूल की हेल्प से इसे बेलेंगे। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस ना ही मैंने ज़्यादा पतली करी है ना ही ज़्यादा मोटी रखी है। आपको कुछ इस तरीके का बेलना है। अब मैं इसको सर्कुलर शेप में कट करने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे सर्कल रेडी हैं। इन्हें हम सूखने के लिए रख देंगे। सूखने से पहले हम इनमें होल मार्क कर देंगे दो दो, जिसके अंदर से हम आगे थ्रेड इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको होल्स बना देने हैं, बड़े बड़े थोड़े। और इस वाले उसमें मैं ब्लॉक प्रिंट की हेल्प से प्रिंट दूंगी। एक चीज़ का ध्यान देंगे, जिस भी शेप में आप ब्लॉक प्रिंट देंगे उसको आपको थोड़ा मोटा रखना है बाकी के कंपैरिजन में, ताकि जब हम इस पे ब्लॉक को इम्प्रिंट करें तो ये और प्रेस होता है। ये देखिए, मैंने उन सर्कल में से एक सर्कल ले लिया है। इसे सिर्फ अभी मैंने 15 मिनट्स के लिए ही सूखने दिया है। और इसमें मैं इस तरीके के मिरर पेस्ट करूंगी। इसे मैं फेविकॉल से पेस्ट करने वाली हूं। मैं इसे अभी इसलिए पेस्ट कर रही हूं ताकि ये ईजली इसमें इंसर्ट हो जाए। नेक्स्ट सर्कल में मैं कुछ इस तरीके की मोती ऐड करूंगी। तो यहाँ हमारी सारी शेप्स अच्छे से ड्राई हो गई हैं, जिसमें हमने ये मिरर और ये मोती पेस्ट करे थे वो भी अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब हम सब में एक एक करके कलर करेंगे और अच्छी सी डिज़ाइन बनाएंगे। Thank you.